यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन पे आपका स्वागत हो। इस वक्त यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन की टीम पहुंची है। ये अब वही आतंक का ट्रक है जहां से आतंकी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की पेट्रोल पार्टी और सीआरपीएफ की जो जॉइंट टीम थी उस पर आतंकियों ने हमला किया था। ये लगातार विजुअल्स आप देख रहे हैं, ये वही ट्रक है यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन पे हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि वॉल पुट्टी जो है वो रखी गई थी और ये ट्रक जो है जम्मू से श्रीनगर की तरफ जा रहा था और इसमें दूसरी तरफ जो है अगर मैं आपको बताऊं तो आतंकी जो हैं वो छिपे हुए थे। जब पुलिस ने इस नाके को रोका तो आतंकियों ने जो है वो पुलिस की और सीआरपीएफ की जो जॉइंट पार्टी है उस पर अटैक किया। ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उसने सर्च के दौरान जो है यहाँ पर जो है आतंकी छिपे हुए थे। ये आतंकियों ने बीच में एक ठिकाना बनाया हुआ था शुरू से, आतंकी छिपे थे। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब जो है इस जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस पहुंची तो यहां पर जो है आतंकियों द्वारा उनको निशाना बनाया गया और उसके बाद जो है ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है वो लॉन्च किया गया। बता दें कि सुबह 8 बजे का समय था जब आतंकियों को जो पुलिस ने इंटरसेप्ट किया और उसके बाद जो है आतंकियों जो है वहाँ पे ओपन फायर किया है पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के बीच और आतंकी जो है पास के जंगलों की तरफ भागे। उसके बाद जो है आर्मी पुलिस और सीआरपीएफ तीनों जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने जो है कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो लगा दिया और लगातार जो इलाका है उसकी घेराबंदी कर कर आतंकियों को जो है वो ढूंढा जा रहा है। यही वो वॉल पुट्टी का जो ट्रक था जो कि जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, JK03F नंबर का ये जो ट्रक है इसमें आतंकी जो है सामने की तरफ बैठे थे। अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा पा रहे हो तो यही वो ट्रक है और इसमें आतंकी जो है वो घुसे हुए थे और लगातार कोशिश ये थी कि श्रीनगर पहुंचकर किसी बड़े हमले को जो है अंजाम दिया जा सके, क्योंकि उधमपुर में भी बड़ी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं और दूसरी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं निशाना बनाने की कोशिश की जा रही थी। कैमरामैन रमन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, यूनिवर्सल न्यूज़ टाइमलाइन, जम्मू।